करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, ओ ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याई, सदा सदा तुझ ध्याई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। सास सास मन नाम समारे, इहु बिसरा निद पावई। ओ ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ठाकुर सदा सदा तुझ ध्याई, सदा सदा तुझ ध्याई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। जगत पे हो जाई, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर,
और ठाकुर सदा सदा दे ध्यानी, सदा सदा तुद ध्यानी, तुम करो दया मेरे साईं, 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 मेरे साईं। पतित पवन गोसाई, तुम दयाल कृपाल कृपानित, पतित पवन गोसाई, कोटे सुख आनंद राज पाई, मुख तीन मुख बुलाई, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ठाकुर सदा सदा तुद ध्यानी, सदा सदा तुद ध्यानी, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम करो दया मेरे साईं, मेरे महाराज मुझ पे ये दया करो, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर। साहिब कहते हैं कि महाराज मुझे ऐसा समत सोच या ज्ञान बख्शो, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुत ध्यान, कि मैं सदा आपका सिमरन करूं, आपका भजन करूं, सदा सदा तुद ध्यान। जो गुरु जी को अंग संग करके जानते हैं कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं, फिर कोई कष्ट कोई विपदा निकट आ भी जाए तो गुरु का नाम जपकर हम हर संकट से उबर जाते हैं, महाराज उबार लेते हैं। एक सत्संग महाराज का कि गुरु महाराज के जल प्रसाद में कितनी कृपा है, जो हमें जल प्रसाद मिलता है गुरु जी का, थोड़े समय पहले इंडिया से जो कनाडा गए रिंकू आंटी और अमन अंकल उनकी फैमिली, तो 2015 की ये बात है, जब नए नए वो कनाडा में शिफ्ट हुए तो अभी उनका हेल्थ कार्ड नहीं बना था,
और अंकल को प्रॉब्लम हुई स्टोन की पथरी की, समझ नहीं आया कि अब डॉक्टर को अगर दिखाते हैं तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं वहाँ पे, अगर हेल्थ कार्ड ना बना हो तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाए। आंटी बड़ी घबराई, उन्होंने इंडिया अनिल अंकल को, अनिल अरोड़ा अंकल जी को कॉल किया और कहा अंकल ऐसे ऐसे मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और स्टोन की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्या करूँ मैं। तो अनिल अरोड़ा अंकल जी ने उन्हें कहा कि घबरा क्यों रहे हो, गुरुजी के चरणों में का विश्वास रखो और महाराज का जो जल प्रसाद है वो अंकल को पिलाओ। सो तकरीबन दो दिन इसी तरह, जब आंटी ने, अंकल जब भी पानी मांगते तो आंटी उन्हें जल प्रसाद गुरुजी के चरणों का पिलाती, एक दिन दो दिन जब निकले तो गुरु महाराज की अनंत कृपा हुई और यूरिन की रस्ते से सारी पथरी जो है बाहर निकल गई, जो तकलीफ, जो दिक्कत, जो प्रॉब्लम थी उन्हें महाराज ने उनका कष्ट हर लिया। सो गुरु महाराज के प्रसाद में जो ब्लेसिंग्स हैं इसे हम समझें, हमें बार बार यही सेवादार या हमें यही समझाया जाता है कि जो प्रसाद, चाहे वो जल प्रसाद है, चाहे वो चाय प्रसाद है, चाहे वो लंगर प्रसाद है, महाराज के इस प्रसाद को हम पूरा खाएं, इसे वेस्ट ना करें, नहीं पता इससे हमारे कौन से कष्ट महाराज हर लेंगे। तो गुरु जी कृपा करें, महाराज के चरणों में जुड़ बैठकर जो गुरु के चरणों का ध्यान करते हैं, मेरे दातार मेरे गुरु जी उन पर अपनी कृपा का सदैव हाथ बना कर रखते हैं। तुम करो दया, तुम करो दया। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई, जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई, नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नानक त्रिप दे अखाई, ओ ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ओ ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ठाकुर सदा सदा तुझे ध्याई, सदा सदा तुझे ध्याई, तुम करो दया मेरे साईं, 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 मेरे साईं, मेरे साईं। मेरे साईं, तुम करो दया 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 मेरे साईं, तुम करो दया।